अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान के बाद थोड़ा सा मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो चुका है। बहुत दिनों से मेरी वीडियो आई नहीं है, जिसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि है कराची बिस्किट की रेसिपी। बहुत क्विक बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसे कराची बिस्किट भी कहते हैं, इसे फ्रूट बिस्किट भी कहते हैं, इसे ड्राई फ्रूट बिस्किट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम्स के करीब सॉल्टेड बटर, जो हमारा नॉर्मल अमूल का बटर होता है। 150 ग्राम लेंगे हम। इसमें मैंने ऐड की है हाफ कप के करीब पिसी हुई चीनी। चीनी ऐड करके हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। अगर आपके पास विस्क है तो आप उससे यूज़ करके इसे मिक्स करिए। मैंने नॉर्मल स्पैचुला से यूज़ किया है, बट हाँ 10 मिनट के लिए करीब करीब आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड की हैं। 2 कप के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वेनिला कस्टर्ड पाउडर का ऐड किया है, और 3 टेबलस्पून के ही करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। बस इतनी ही चीज़ें मैंने ऐड की थी, जो कि मैं वीडियो में स्किप कर दिया, मैंने मुझसे डिलीट हो गई वीडियो। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टूटी फूटी 3 टेबलस्पून के करीब। आपके पास जो भी कलर की अवेलेबल है आप ऐड कर दीजिए। थोड़े से मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, और थोड़े से मैं बचा लूँगी जिसे हम अपनी गार्निशिंग पे लगाएंगे बाद में। 2 या 3 ड्रॉप के करीब मैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो उसके अलावा आपके पास जो भी एसेंस अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। वेनिला एसेंस भी चल जाएगा, बट पाइनएप्पल एसेंस इस कुकी के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो मैं पाइनएप्पल एसेंस ऐड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। जैसा एक डो होता है ना, जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे हम, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे हाथों की मदद से प्रेस कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, कि जब हम इसे प्रेस करें तो ये एक अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको डो थोड़ा सा भी ड्राई लगता है तो इसमें 1 टेबलस्पून या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबलस्पून आप मिल्क ऐड कर दीजिए। अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे भी नहीं पड़ी थी, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है तो आप मिल्क ऐड कर लीजिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप लिया है, इसमें मैं अपने डो को रखूँगी। यहाँ मैंने अपने डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मैं सारा डो एक साथ नहीं रखूँगी, क्योंकि इससे कुकी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसे रैप कर दूंगी क्लिंग रैप में। तो ये आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से रैप कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी हल्के हाथों से, और क्लिंग रैप से इसे स्क्वायर शेप दे दूंगी, और इसे अच्छी तरीके से पैक करके इसके जो साइड्स है वो लॉक कर दूंगी अच्छी तरीके से, और फ्रिज में रखूँगी मैं इसे 15-20 मिनट्स के लिए। कुकी का शेप आप अपने हिसाब से रखें, या आपको राउंड रखना है तो आप राउंड रखें, स्क्वायर रखना है तो स्क्वायर रखें। मोस्टली ये जो कराची बिस्किट्स है ये स्क्वायर शेप में ही आती है, तो इसलिए मैंने भी इसका शेप स्क्वायर ही रखा है। अब मैं इसके साइड्स को अच्छी तरीके से प्रेस करते जाऊंगी और लॉक कर दूंगी। ये बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ से पैक होना चाहिए, और इसे पैक करके हम फ्रिज में 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर मैं अपने दोनों डो को इसी तरीके से पैक कर लूँगी। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, मैं आपको गैस पर भी बेक करके दिखाऊंगी और अवन में भी बेक करने का बताऊंगी। तो ये जो राउंड वाली डिश है ये मैंने गैस के लिए ली है, और ये जो बड़ी वाली ट्रे है ये मैं ओवन में डालूंगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ऑयल लगाकर इसे बटर पेपर से कवर कर देंगे और ऊपर नीचे ऑयल लगा लेंगे। अब यहाँ
15 टू 20 मिनट्स हो गए हैं, मैंने अपने डो को बाहर निकाल लिया है। अब इसका क्लिंग रैप खोलेंगे और इसे नाइफ की मदद से इक्वल पोर्शंस में, जैसे कुकी के लिए जितना पोर्शन चाहिए होता है उतने पोर्शंस में कट करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से स्क्वायर शेप दे देंगे। अब आप इस डो को कट करेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्रमली होगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रखा था, तो जब ये इसके क्रम्स निकलेंगे ना तो उसे हम हाथों की हेल्प से शेप दे देंगे। ये जो कुकी है ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही क्विक बन जाती है और टेस्ट इसका बाहर की कुकी से भी बहुत अच्छा होता है। बाहर जो कराची बिस्किट्स मिलते हैं वही हमें इतने पसंद आते हैं, तो सोचिए अगर होममेड होंगे और बाहर से अच्छा टेस्ट होगा तो क्या ही बात होगी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपके बिस्किट्स कैसे बने। अब यहाँ पर हम एक एक करके हमारे सारे बिस्किट्स रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने मेरे सारे बिस्किट्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा निकाला था उससे मैं अपने सारे बिस्किट्स को गार्निश कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया था और इसे 10 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर हीट कर लिया था। उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा था और उसके ऊपर अपनी कुकी की प्लेट रख दी थी और इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी 15 टू 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स तो लगेंगे इसे, 20 मिनट्स के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। इसी तरीके से मैं ओवन में भी 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए हमारी कुकीज़ को बेक कर लूंगी और मिलते हैं बेक होने के बाद। अब यहाँ पर हमारी कुकी बिल्कुल रेडी है 20 मिनट्स के बाद। दोनों को गैस पर भी और ओवन में भी दोनों कुकीज़ मेरी बराबर टाइम पे 20 मिनट्स में बेक हो गई थी अच्छी तरीके से। और जब ये बिल्कुल गर्म हो तो इसे बिल्कुल टच ना करें, जब ये पूरी तरीके से कूल डाउन हो जाए तो इसे निकालें, अदरवाइज ये बटर पेपर पे स्टिक हो जाएगी। अगर गर्म होगी और हम निकालेंगे तो ये बटर पेपर पे बिल्कुल स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही यम्मी सी कराची बिस्किट्स रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।